दोस्तों इस वीडियो में आपको जामिया हॉस्टल की पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी के मतलब कि रहने का कितना खर्चा होता है, खाने का कितना खर्चा लगता है, कपड़े धुलवाना है तो धोबी का चार्जेस क्या है, कौन कौन से गेस्ट आपसे मिलने आ सकते हैं, आपकी हॉस्टल मिलने के चांस क्या है, आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, कौन से क्राइटेरिया से आपको हॉस्टल मिलता है, इसमें घर की दूरी भी मायने रखती है, मैटर करता है कि घर आपका जामिया से कितना दूर है। तो पूरा कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट पैकेज एक वीडियो में है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं मिलने वाला नहीं है। तो जामिया के हॉस्टल की पूरी जानकारी, लड़कियों के हॉस्टल से लेकर लड़कों के हॉस्टल तक, अभी जो फॉर्म निकला हुआ है और आगे क्या फॉर्म निकलेगा, सबकी जानकारी एक छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पे अभी भी नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि उनको पता चले कि जामिया के हॉस्टल कैसे मिलता है, और जामिया के हॉस्टल अगर मिल गया तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, कितने फीस होगा, रहने खाने का क्या खर्चा लगता है, और लड़कियों को हॉस्टल चाहिए तो क्या मुश्किल है या आसान है, लड़कों का मुश्किल है या आसान है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अभी किसका फॉर्म निकला हुआ था, चलिए सबसे पहला जो फैसिलिटी है वो है कि रैगिंग नहीं होता है जामिया के हॉस्टल में। अगर किसी सीनियर ने आपको रैगिंग लेते हैं तो वो सीनियर को क्या किया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा जामिया से, यानी रस्टिकेट कर दिया जाएगा, उनको एडमिशन, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो जामिया बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी है और इसमें हॉस्टल है, इसमें रैगिंग बिल्कुल नहीं होता है। रैगिंग की पॉलिसी है कि पूरा कैंपस में जामिया के रैगिंग बैन है। अगर कोई रैगिंग लेता है या लेती है तो उसको जामिया से धक्का मार के निकाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए उसको रस्टिकेट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जामिया के हॉस्टल के पहले फैसिलिटी के रैगिंग ही नहीं है, इससे नए बच्चों को आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी कहीं पे रैगिंग होता है तो वहां पे बच्चों को उसमें हॉस्टल में रहने में तकलीफ होती है, सीनियर टॉर्चर करते हैं, तो जामिया में कोई टॉर्चरिंग नहीं है। चाहे आपके स्कूल के कैंपस हो, यूनिवर्सिटी के कैंपस हो, स्कूल के हॉस्टल हो या यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हो, लड़कों का हॉस्टल हो या लड़कियों का हॉस्टल है, रैगिंग बिल्कुल बैन है। रैगिंग कोई ले ही नहीं सकता। अगर आपने उसका नाम दे दिया कि ये रैगिंग ले रहा था तो उसका रैगिंग यूनिवर्सिटी ले लेगा और उसको धक्का मार के निकाल देगा। दूसरा फैसिलिटी देखिए, हॉस्टल वेलफेयर एसोसिएशन होता है। जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वही मेस के इंचार्ज बनते हैं, स्पोर्ट्स का, कल्चर का, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के, उनको कमेटी में शामिल किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट का राय बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनकी राय के लिए उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। जैसे क्लास में CR होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको स्कूल में, गाँव के स्कूल में मॉनिटर बोलते हैं कि ये मेरा क्लास का मॉनिटर है, रमेश मॉनिटर है, सलमान मॉनिटर है। तो उसी तरह आपको भी किसी को मेस का इंचार्ज बना दिया जाएगा, किसी को स्पोर्ट्स का इंचार्ज बना दिया जाएगा, किसी के हेल्थ का इंचार्ज, किसी के एनवायरनमेंट। तो जनरल बॉडी क्या होता है, उसमें से स्टूडेंट का मॉनिटर बना दिया जाता है, स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। तो जितना हॉस्टल के वेलफेयर होते हैं उसमें स्टूडेंट ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जिससे क्या होती है कि पूरा आपको फ्रीडम मिलता है हर चीज में भागीदारी का। तो ये जामिया का अच्छा फैसिलिटी। आगे आपको बताएंगे कि क्या खर्चा है रहने का, बाकी देख लीजिए कि हर चीज़ का फैसिलिटीज़ है जामिया के हॉस्टल में। ऐसा वीडियो आपको मिलने वाली है तो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख डालिए। विजिटर अलाउ है प्रीमाइजेज में संडे एंड गजटेड हॉलीडे में, 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे, 9:30 से 5:30 बजे के बीच में हॉस्टल में आप मीट कर सकते हैं। कैसे मीट कर सकते हैं, परमिशन लेना पड़ता है। ओनली पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियंस मेंशन्ड इन द हॉस्टल एडमिशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज विजिटर। सिर्फ गार्जियंस और लोकल गार्जियंस और पेरेंट्स ही मिल सकते हैं, जिसका आपने नाम कहाँ पे लिखा है, हॉस्टल के फॉर्म में लिखा है। विजिटर शुड कंप्लीट ऑल द एंट्रीज इन द रजिस्टर अवेलेबल एट द हॉस्टल गेट विद अ सिक्योरिटी गार्ड। On demand, they must identify themselves through the photo identity card. Visitor vehicles are not allowed inside the hostel campus. No visitor allowed on holi. तो विजिटर जो भी जाएंगे वो अपना पहचान पत्र लेके जाएंगे कि आपने जिसका अपने गार्जियन का नाम, लोकल गार्जियन का नाम दे रखा है या पेरेंट्स का नाम तो आपके होंगे ही, उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर अनजान बच्चा रह रहा है तो उसको बाहर के लोगों आकर टॉर्चर नहीं कर सकते। होता है ना, लोगों का डर रहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बाहर रह रहे हैं तो पता नहीं क्या सिक्योरिटी सेफ्टी होगी। तो जामिया बिल्कुल सेफ्टी बरतता है और इस सेफ्टी में भी बिल्कुल सिक्योरिटी 100% 24 घंटे रहते, अनजान लोग आ ही नहीं सकते, तो बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। अगला फैसिलिटी देखिए,
लिमिटेड गेस्ट अकोमोडेशन है फीमेल गेस्ट के लिए, मतलब लड़कियां के हॉस्टल में कौन कौन रह सकता है ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सिर्फ मदर और रियल सिस्टर यही लड़कियों के हॉस्टल में रह सकते हैं। तो लड़कियों के हॉस्टल में रहने के लिए मिनिमम आप 3 days मैक्सिमम मतलब तीन दिन रहने का आपको परमिशन है कि आप लड़कियों का मदर या लड़कियों का सिस्टर 3 दिन रह सकती है, और इसको एक्सटेंड करके 8 दिन भी किया जा सकता है। बुकिंग फॉर गेस्ट हाउस एकोमोडेशन हैज़ टू बी डन इन एडवांस। आपको किसी को लड़कियां रह रही हैं अपने मदर को बुलाना चाहती हैं, अपने सिस्टर्स को बुलाना चाहती है, बिल्कुल अलाउ है, 3 दिन के लिए अलाउ है। अगर रिक्वेस्ट पे इसको 8 दिन भी अलाउ किया जा सकता है। तो लड़कियां जो रह रही हैं ऐसा नहीं है कि उनसे कोई मुलाकात नहीं कर सकता, उनके घर वाले बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं और आके मिल सकते हैं और रह भी सकते हैं। लड़कियों के केस में सिर्फ उनके मदर और उनके सिस्टर ही रह सकती है, ठीक है। रेजिडेंट्स गेस्ट्स आर नॉट अलाउड टू स्टे इन द रूम ऑफ रेजिडेंट, मतलब जो गेस्ट है वो लोग उनके लिए अलग रूम होगा। देखिए, रेजिडेंट गेस्ट आर नॉट अलाउड टू स्टे इन द रूम्स ऑफ द रेजिडेंट, यानी जो गेस्ट लोग आएंगे उन लोगों का अलग से रूम का व्यवस्था किया जाएगा, जिसमें उनके बच्चे रह रहे उसी में रहने के लिए ये अलाउ नहीं है, ठीक है। नो रेजिडेंट शैल कीप और गिव शेल्टर टू एनी डिबार्ड कैंपस बैन, जो भी स्टूडेंट रेस्ट्रिकेटेड है उनको ऐसा इलीगल आप रख नहीं सकते। आगे देखिए फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी में आपको रीडिंग हॉल मिलेगा, कॉमन रूम मिलेगा जिसमें टीवी लगी होगी, आप क्रिकेट देख सकते हैं, सीरियल देखते हैं, फिल्म देख सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं, तो टीवी में जो भी चीजें आती हैं आपको टीवी प्रोवाइड की जाएगी। आरओ कम वाटर कूलर, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यानी वाटर फिल्टर और वाटर कूलर दोनों अवेलेबल होंगे। पढ़ने के लिए रीडिंग रूम होगा, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी हॉल होगा, वॉशिंग मशीन फॉर सेल्फ यूज बिटवीन 6 AM to 12 midnight एंड लाउंड्री ऑन कॉल एडवांस सर्विस, यानी वॉशिंग मशीन भी प्रोवाइड की जाएगी। लंच पैक ऑन प्रायर रिक्वेस्ट, यूज ऑफ पेंट्री बिटवीन 6 AM to 12 midnight, मतलब आपको पेंट्री भी प्रोवाइड की जाएगी। कैंटीन, टक शॉप ऑन कैंपस, ब्यूटी पार्लर ऑन कैंपस, गेस्ट रूम लिमिटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी विद सीसीटीवी ऑन प्रीमाइजेस, मेडिकल कंसल्टेशन विद लेडी डॉक्टर, लड़कियों के इसमें लेडी डॉक्टर अवेलेबल होंगी ट्वाइस अ वीक इन द हॉस्टल इटसेल्फ, एक्सेस टू अंसारी हेल्थ सेंटर फॉर कंसल्टेशन ट्रीटमेंट। अंसारी हेल्थ सेंटर क्या है, एक हॉस्पिटल है, उसमें आप लोग जितने भी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट या जामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट सबका मेडिकल कार्ड बनता है, वो लोग इसमें जाके मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। तो जामिया में पढ़ने वालों के लिए फ्री हेल्थ आपका है, जितने भी ट्रीटमेंट का पैसा लगता है सब यूनिवर्सिटी बियर करती है। लड़कियों के केस में लड़कियां हॉस्टल में भी अपना लेडी डॉक्टर, जो एक वीक में 2 बार लेडी डॉक्टर जाती है उनसे भी कंसल्ट कर सकती है, या अंसारी जो हेल्थ सेंटर है वहां भी दिखा सकती। अब तो जामिया में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खुल रहा है, उसमें भी आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाली। मेडिकल फैसिलिटी में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जामिया में अपना अंसारी हेल्थ सेंटर है, वहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मिलती है, यूनानी मेडिसिन भी मिलती है, होम्योपैथिक भी मिलती है, एलोपैथिक भी मिलती है। तो जैसे अलीगढ़ में BHU में हॉस्टल के साथ साथ हर जगह हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, उसी तरह जामिया में भी हेल्थ की फैसिलिटी है। मैं तो खुद जामिया से पढ़ा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ मिलता है। आगे देखिए, जिमनेजियम भी है, अगर आप जिम करना चाहते हैं लड़की हो या लड़का, तो 500 रुपया पर सेमेस्टर दे के आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस आजकल लोग हो रहे हैं तो हेल्थ की फैसिलिटी ले सकते हैं। आगे देखिए क्या क्राइटेरिया हो रहा है, आगे ये क्राइटेरिया कि ये स्कूल का क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ, इसी तरह यूनिवर्सिटी लेवल का भी होता है। जितना घर से दूर होगा उतना आपके पॉइंट्स बनेंगे, टोटल 100 पॉइंट्स में से आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का परसेंटेज मैटर कर सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आगे दिखाने वाला हूँ, 60% से 70% है तो 10 पॉइंट मिलेगा, 70 से 80% है तो 20 पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 40 पॉइंट्स है। स्पोर्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल, तो उसमें भी 10 पॉइंट्स है। NCC NSS में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी 5 मार्क्स है इसमें। स्कूल सीनियरिटी के ऊपर है कि जितना सीनियर होंगे तो आपको अलॉटमेंट अच्छे रूम हो सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी है कि अगर इनकम किसी पेरेंट्स का 5 लाख से कम है उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 लाख से 8 लाख के बीच में है पेरेंट्स का इनकम तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। घर से जितना दूरी है उतना मार्क्स मिलेंगे, टोटल 5 मार्क्स है। आप देख सकते हैं अगर आपका 1200 किलोमीटर से ज़्यादा घर है तो 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, इस 30 नंबर में आपका इंटरव्यू होगा,
तो टोटल आपके 70 चीजें फिक्स चीजें हैं और 30 इंटरव्यू है, तो टोटल 100 में से आपको नंबर जितना बेटर मिलेगा उतना आपका हॉस्टल मिलने का चांस है। अब लड़कियों लड़कों का फर्क क्या है वो मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए एलिजिबिलिटी है मिनिमम 60% होना चाहिए तभी हॉस्टल मिलेगा, तो 60% मार्क्स लाना आपको प्रीवियस जिस बेसिस पे आप जामिया में एडमिशन लेते हैं, जैसे आप 11th में लेते हैं तो आपका 10वीं का मार्क्स चेक होगा, जैसे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो 12वीं का चेक होगा, मास्टर डिग्री में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स चेक होगा, यानी किस बेसिस पे आप जामिया में एडमिशन ले रहे हैं उसका मार्क्स देखा जाएगा। तो 60% तो मिनिमम होना चाहिए, ज़्यादा मार्क्स है तो ज़्यादा चांस है हॉस्टल मिलने का। रिजर्वेशन है 5% सीटें रिजर्व है NRI और फॉरेन नेशनल्स का, और 5% टोटल सीट अवेलेबल है फिजिकल चैलेंज स्टूडेंट का। ये तो आपके एलिजिबिलिटी हो गए। अब रहने का फीस कितना लगता है, तो न्यू अलॉटमेंट होता है तो 15,000 के आसपास, ये एक साल का फीस है, और रिन्यूअल करते हैं तो 12,000 फीस है। तो मोटा मोटी समझ सकते हैं कि एक महीने का लगभग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटी आपको 8 से 10 ही महीने तक ही तो हॉस्टल मिलते हैं, बाकी समर वेकेशन विंटर वेकेशन हो जाता है। तो 1,000 हर महीने के हिसाब से मान सकते हैं कि जामिया का हॉस्टल चार्जेस 1,000 रुपये के आसपास है, 1100-1200 भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा 12 महीने आपको हॉस्टल में रहने का मौका नहीं मिलता है, समर वेकेशन भी होते हैं विंटर वेकेशन भी होते हैं। तो मोटा मोटी 1,000 रुपया एक महीने का चार्ज है रहने का। खाने का देखिए, खाने का एक महीने का 2600 रुपया है, तो एक बार में 10 महीने का फूड दे देते हैं 26,000 रुपया एज पर मेस मेन्यू आपको खाना मिलता है तीनों टाइम। कपड़े धोने का फीस है, धोबी चार्जेस है एक महीने का 250 रुपया, तो 250 रुपया में धोबी आपके कपड़े धुल के देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोज है 60 पर मंथ, यानी 60 कपड़े एक महीने में दे सकते हैं। तो कपड़ों का एक लिमिटेशन भी है, तो 250 रुपया में आपके कपड़े धुल जाएंगे, 2600 रुपया में एक महीने का खाना मिल जाएगा, और 1000 के आसपास में आपका एक महीने का चार्जेस हॉस्टल का मिल जाएगा। तो मोटा मोटी मैं जोड़ के आपको बता देता हूँ कि 3000 तो मान लीजिए कि ये हो जाएगा 4000, यानी 4000 तो मिनिमम आपको हॉस्टल में खाने रहने कपड़े धोने के मिलेंगे, तो 5000 में आपका काम बन सकता है। तो जामिया के ये हॉस्टल का पूरा डिटेल थी। नोटिस आती है रिन्यूअल के कुछ इस प्रकार से, तो ऑफिशियल नोटिस भी दिखाना ज़रूरी था कि नोटिस किस टाइप्स की आती है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आती है, अगर एक साल हो गया है तो फिर अगले साल रिन्यू करने के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन का इस साल का ये नोटिस है कि हॉस्टल फीस चार्जेस 12,550 दीजिए और 10 महीने के खाने का चार्ज 26,000, तो टोटल 38,550 एक साल का एक बार में आपको जमा करना होता है एग्जिस्टिंग रेट इन वन इंस्टॉलमेंट। तो ये इस साल का नोटिस है। अब आपको दिखाता हूँ आपको अभी नोटिस क्या आया है। तो नोटिस लड़कियों का हॉस्टल का अभी आया है, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में तो बताऊंगा ही, बाकी ये देख लीजिए 26 जुलाई की ये नोटिस है कि न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड 12th लड़कियों का ये लिए हॉल्स ऑफ गर्ल्स रेजिडेंट के लिए, इनको फॉर्म भरना है हार्ड कॉपी फॉर्म और 200 रुपया कैश में हॉल ऑफ गर्ल्स रेजिडेंट जो है टिकोना पार्क के आसपास ऑफिस ऑफ द प्रोवोस्ट, यानी प्रोवोस्ट ऑफिस में टिकोना पार्क के पास जाके 200 रुपया और फॉर्म भर के मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म भरने का इस कोर्स के लिए 9 से लेके 12 के लिए, वो है 10 अगस्त। अब आप पूछेंगे कि लड़कों का कब आएगा, तो लड़कों का भी आएगा बट लड़कियों का फॉर्म देख लीजिए कि फॉर्म कैसा है। लड़कियों का फॉर्म जो है वो इस टाइप का है, ये रहा फॉर्म 10 पेज का है, तो इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट करके फॉर्म अप्लाई कर देना है, आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। लड़कियों का हॉस्टल मिलने के 99% चांस रहते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का हॉस्टल मिलने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, लड़कों के लिए लिमिटेड सीट्स है, ये ध्यान रखिएगा, लड़कों के लिए क्या है लिमिटेड सीट्स है। तो लड़कों के लिए मैं फिर से एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप बाहर भी रह सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से जनरल इंफॉर्मेशन लिखा है कि देयर इज लिमिटेड हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर आउट स्टेशन मेल स्टूडेंट ऑफ इट्स स्कूल। तो जामिया में लड़कियों का सेफ्टी के लिए लड़कियों का हॉस्टल बिल्कुल जबरदस्त है, लड़कियों का हॉस्टल मिलने के ज्यादा चांस है, लेकिन लड़कों के लिए थोड़ा कम किया, क्योंकि लड़के तो कहीं भी रह सकते हैं, लड़के तो किराए पर भी रह सकते हैं, तो लड़कियों को किराए पर रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
हॉस्टल ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो यहाँ 24 घंटे सिक्योरिटी और कैंपस में ही रहना और कैंपस में क्लास आना, तो बीच में दूर से आने का कोई लफड़ा नहीं रहेगा और लोकल लोग लड़कियों का कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी लड़कों तो कहीं भी रह सकते। तो हॉस्टल धीरे धीरे जामिया में बढ़ रहा, हो सकता है आने वाले समय में लड़का लड़कियों को सभी को 100% मिल जाए, लेकिन अभी लड़कों के लिए तो थोड़ा दिक्कत है इसलिए कंपटीशन टफ है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा मार्क्स कम भी रहता है तो भी मिल जाता है। इसके लिए तो जामिया के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि बहुत दूर का सोचते हैं जामिया वाले, बहुत दूर के सोचते हैं कि लड़कियों का रहने का व्यवस्था करना ज़रूरी है। इवन जो लड़के नहीं भी जामिया के स्टूडेंट है, वर्किंग है, मान लीजिए कोई दिल्ली से अलग स्टेट के रहने वाले, कोई तमिलनाडु केरल का या यूपी बिहार के रहने वाले लड़के अगर जॉब कर रही है जामिया में, तो उसके लिए भी क्या किया है जामिया, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया है कि 50 सीटें जो लड़कियाँ जॉब करती हैं ना उनके लिए दे रखा है। तो लड़कियाँ जो नहीं भी पढ़ती हैं ना उनको भी जामिया लड़कियों को सपोर्ट करता है कि 50 सीटें जो लड़कियाँ जॉब करती हैं उन लोगों के लिए है। वो जामिया से उनका भले ताल्लुक नहीं है, जामिया बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं और जामिया में नहीं पढ़ी हुई, वैसे लड़कियों को भी 50 लड़कियों का रहने का व्यवस्था जामिया देता है विमेन का सेफ्टी के लिए, तो कितनी खुशी की बात है। तो जामिया के हॉस्टल के मैंने ए टू जेड चीज़ें बता दी हैं, फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो मोस्ट वेलकम। लड़कों का भी इसी तरह जैसे लड़कियों का नोटिस आया है उसी तरह लड़कों का, क्योंकि अभी एडमिशन जारी है तो एडमिशन जब हो जाएगा रिजल्ट फाइनल सबका आ जाएगा तभी तो हॉस्टल मिलेगा। स्कूल का लगभग तय हो गया है एडमिशन, इसीलिए हॉस्टल का फॉर्म आया है। लड़कों का भी इसी तरह तय हो जाएगा सबका एडमिशन, तो लड़कों का भी हॉस्टल का फॉर्म आएगा, डिटेल प्रोस्पेक्टस आएगा, हर चीज़ आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा डिटेल में अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी मेहनत करके अच्छे से अच्छे डेटा खोज खोज के, चीज़ें खोज खोज के आपके लिए वीडियो फॉर्म में बताऊँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपकी तरक्की हो, आपकी देश की तरक्की हो, आपके परिवार की तरक्की हो। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ आपके भले के लिए और हम सब के भलाई के लिए। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।